ताली तो बजाओ। अरे भाई साहब भाई का फोन कॉल करना को बड़े भाई बड़े भाई पब्लिक मतलब रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के कटवारिया सराय में, जहां पर JKBM फाउंडेशन की तरफ से लाड़ो सराय के निगम पार्षद राजीव चौधरी जी को बधाई देने अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं। राजेश सेजवाल जी, आज आप राजीव चौधरी जी को जीत की बधाई देने आए हैं, क्या संदेश देंगे? सबसे पहले तो राजीव भाई साहब को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि वो जीत के जो हम सभी के बीच में आए हैं उसके लिए तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि वो अपने क्षेत्र को में ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हुए लोगों को जो परेशानियां उनसे निजात दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं कमल जी। कमल जी, बधाई संदेश में क्या दुआएं देंगे? सभी को मेरा नमस्कार। आज JKBM फाउंडेशन की तरफ से आज राजीव भाई साहब को जो है, जो लाड़ो सराय के जो काउंसलर बने हैं, उनको आज बधाई देने का मौका मिला है। आज उनके ऑफिस में आकर के हमने उन्हें पुष्प गुच्छ जो है दे करके उनको मुबारकबाद दी है, और हम यही आशा करते हैं कि जी क्षेत्र को अपने को जो है बहुत बढ़िया बनाएँ और लोगों की परेशानियों का जो है हल निकालें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। आप आगे आ जाओ। आपका शुभ नाम? कमला प्रसाद। कमला प्रसाद जी, क्या दुआएं दे के जा रहे हैं जीत की बधाई? सम्मान्य भाई राजू जी को ये संदेश दे के जा रहे हैं कि चलो जीते हैं तो, लेकिन कर्म पे डिपेंड है कि ऐसा कर्म करेंगे आगे भी, इनको हम लोग कोशिश करेंगे कि जिताएंगे, लेकिन जब पीछे जैसा हुआ है अगर वैसे ही होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन बधाई के पात्र हैं। हम लोग 2 साल से लगे हुए थे कि राजीव जी को टिकट मिले, और टिकट मिलने के बाद ये जीते और हम लोग स्वागत करने के लिए आए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका शुभ नाम? इन्हीं बोलो यही। आपका शुभ नाम? डॉक्टर अफजल जी। अफजल जी, क्या संदेश है, क्या बधाई संदेश है? पहले तो राजीव भाई को निगम पार्षद लाडो सराय बनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत बधाई। और मैं जहाँ तक जानता हूँ राजीव भाई बहुत कर्मशीला इंसान हैं, और इस क्षेत्र को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके चमकाएंगे। राजीव भाई अभी से मेहनत कर रहे हैं। राजीव भाई लाडो सराय अपने वार्ड की कटवारिया सराय में एक डिस्पेंसरी के लिए बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, बाकी लाडो सराय के लिए भी बहुत भाग दौड़ करते हैं, और पूरे क्षेत्र के लिए यहाँ से लाडो सराय से लेकर कुसुमपुर पहाड़ी तक कुछ ना कुछ रोज़ ना रोज़ करते ही रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजीव चौधरी जी ने विधायक नरेश यादव जी को कल इसके लिए प्रोत्साहित किया कि कुसुमपुर पहाड़ी में एक UGR लगाया जाए, क्योंकि वहाँ पानी की बहुत कमी है। आजकल टैंकर भी बहुत कम आ रहे हैं। राजीव जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर उस आदमी से मिलना है जिससे इनके क्षेत्र का विकास हो सके। मैं राजीव भाई को अभी से शुभकामना देता हूँ, और बहुत अच्छा नंबर वन पार्षद होने का अभी से शुभकामना देता हूँ कि ये मेहनत करेंगे और नंबर वन पार्षद बनेंगे दिल्ली के। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई है। हमारे साथ मौजूद हैं लाड़ो सराय के निगम पार्षद राजीव चौधरी जी। राजीव जी, भारी संख्या में लोग आपको बधाई देने पहुंचे हैं, किन शब्दों में आप उनका शुक्रिया अदा करेंगे? सबसे पहले मैं INS के सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, और साथ में मैं JKBM की पूरी टीम और विशेष रूप से राजेश सेजवाल भाई, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरी हौसला अफजाई के लिए। और जब राजेश भाई और उनकी संस्था जैसे लोग जो हैं आकर आपकी हौसला अफजाई करते हैं तो आपकी हिम्मत बढ़ती है। ये अपने आप में समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, और इनका समाज सेवा के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी फायदे के, बहुत चंद लोग होते हैं जो समाज को देने का प्रयास करते हैं, और उसमें राजेश भाई हैं। आज उन्होंने मेरे ऑफिस में आकर मुझे आशीर्वाद दिया, ये मेरा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव चौधरी जी। हमारी तरफ से भी आपको जीत की बहुत बहुत बधाइयाँ,
और हम भी आशा करते हैं कि आप सभी की उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। कैमरामैन अशोक के साथ VP शर्मा, INS न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।